क्योंकि अक्सर कहते हैं कि अगर हम इस किस्म के जो मास्क हैं फेस पर लगाते हैं तो ये लगा के बोलना नहीं चाहिए। आपकी स्किन बहुत वो टाइट हुई होती है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे बोलेंगे तो वो आपकी स्किन को बेसिकली हील ही कर रहा होता है ना, तो वो जो आपकी रिंकल्स पड़े होते हैं, स्माइल लाइंस होती हैं, वो एनहांस हो जाती हैं, वो उनके अंदर सेटल होने लग जाते हैं। तो हमारा तो कोशिश है कि उसको प्रिवेंट करें। समटाइम्स हम देखते हैं लड़कियों का ना ये जो लिप्स के अराउंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हुआ होता है, तो उसकी क्या रीज़न होती है और उसके लिए क्या टोटका हो सकता है? अच्छा नेचुरली आई थिंक क्योंकि हम देसी हैं पाकिस्तानी हैं तो वो नेचुरली हमारे जीन्स में भी एक होता है, क्योंकि किसी अंग्रेज़ के तो नहीं हमने देखा कि पिगमेंटेशन हो उस तरह, तो एक वो नेचुरली भी होती है बट ऑब्वियसली वो सन टैनिंग की वजह से वो इन्हांस हो जाती है। सन ब्लॉक ना लगाना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर पिगमेंटेशन, तो उसको ऑब्वियसली हम नॉर्मल ऑर्गेनिक चीज़ों से भी कॉम्बैट कर सकते हैं। यही राइस का मास्क बहुत अच्छा है इसके ब्राइटनिंग के लिए। एक और राइस का बहुत अच्छा मास्क बनता है बॉइल्ड राइस से। बॉइल्ड राइस को आपने ब्लेंड करना है मिल्क के साथ और वो आप फेस पे लगाते हो, जो कोरियन ग्लास स्किन का सबने सुना हुआ है, बहुत क्रेज है लोगों को जी, वो उनके इतने प्रोडक्ट्स में राइस इज द मेन इंग्रेडिएंट, तो वो अब हमारे पास नेचुरल घर में चीज़ पड़ी है। ये तो आप पाउडर्ड फॉर्म में हमें बता रही है ना। अक्सर लोग मैं देखती हूँ कि चावलों को उबाल लेते हैं एंड देन उसका क्रीमी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वही मैं बता रही हूँ, लोशन यूज किया जाता है और वो भी टोनर बन जाता है, उसका लिक्विड बन जाता है, उसके फेस वॉशेस बहुत चलते हैं, तो वो तो राइस इज एवरीवेयर। तो डार्क सर्कल्स के लिए कुछ है? क्योंकि लड़कियों को बहुत मसला होता है, एक तो हम लोग सोते ही नहीं है जी, रूटीन ही इतनी खराब हुई होती है कि रातों को जागना और दिन में सोना है। मैं आपके साथ उस चीज़ में। और डार्क सर्कल्स के लिए मेरा फेवरेट है कॉफ़ी। कॉफ़ी में ब्राइटनिंग एजेंट तो होता ही है और कॉफ़ी वैसे ओवरऑल भी पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, बट मैं इसको ज़्यादा तौर पर इस पे यूज़ करती हूँ अंडर आइज के लिए। सो हनी एंड कॉफ़ी, हनी गोज़ एवरीवेयर। यस, तो हनी एंड कॉफ़ी का आपने बस 1 स्पून कॉफ़ी और 1 ही स्पून आपने हनी लेके इसका पेस्ट सा बनेगा। ये मास्क उस तरह नहीं बनेगा, ये पेस्ट बनेगा और इसको आपने स्क्रब नहीं करना क्योंकि अंडर आइज बहुत सेंसिटिव होती है। ये बिल्कुल इस तरह का पेस्ट टाइप सा बनेगा, तो इसको बस लगा के और आपने छोड़ देना। ये ड्राई उस तरह नहीं होगा क्योंकि हनी है तो वो थोड़ा सा वेट रहेगा, तो इसको बस आपने लगा के स्क्रब ऑफ भी नहीं करना, बस पानी से धो लेना है। 5-10 मिनट। और वीकली कर सकते हैं? वीकली कर सकते हैं, वीक में 2 से ज़्यादा दफ़ा ना मैं इस तरह। हाँ, क्योंकि स्किन जब ओवर एक्सफोलिएट भी हो जाए ना तो फिर आपको एक्ने होने लग जाती है। अच्छा, बालों के लिए क्या है? बालों के लिए अभी तो सबसे पहले तो लड़कियों को बालों के बहुत मसले हैं जी, उतर रहे हैं, मतलब हाथ से हाथ भी लगाएं तो हाथ में बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं, डैमेज भी तो हम और ह्यूमिडिटी भी, आजकल मौसम भी ऐसा है, तो कैसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं बालों को? सबसे जरूरी चीज़ तो ऑयलिंग होती है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ऑयलिंग लाजमी, आप नेचुरल ऑयल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, कोकोनट। अब कोकोनट ऑयल का ही मैं एक मास्क बना रही हूँ। इट्स कोकोनट ऑयल एंड हनी। बालों में भी जाती है हनी, हर जगह है हनी। हनी वेट लॉस के लिए, हनी स्किन के लिए, हनी बालों के लिए। अब ये कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा ये डाल दिया। ऑब्वियसली आप अपने बालों के हिसाब से, जो आपकी लेंथ है उस हिसाब से जितना आपको ऑयल लगता है आप वो डाल के, और फिर आप उसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर लें। अब ये हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट तो है, हमें पता है हनी से तो स्किन भी हाइड्रेट होती है, बाल भी होते हैं, तो अगर आपके बहुत डैमेज और ड्राई बाल हुए हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आपने इसको हल्का सा हीट करके, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। आजकल जो मौसम है ना, बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई और फटे फटे से होते हैं, तो ये उनके लिए है, मतलब काम करेगा। जिनके बहुत डैमेज और वो ज़्यादा फ्रिजी, इसीलिए भी बालों का टेक्सचर हो जाता है कि वो ओवर हीट डैमेज की वजह से वो फट चुके होते हैं। जिनके और नेचुरली वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हनी और कोकोनट ऑयल दोनों ऐसे सूदिंग एजेंट्स हैं कि वो आपके बालों को टेम करेंगे, फ्रिज को टेम करेंगे। अच्छा, जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है उसके लिए क्या है? हेयर लॉस के लिए ऑनेस्टली नेचुरल ऑयल आप लगाएं तो वो बेस्ट है। मेरे पास एक ऑयली हेयर के लिए बहुत अच्छा मास्क है यहाँ पे, विच इज़ एग एंड लेमन। इसमें आपने ऑयल नहीं डालना, आपने सिर्फ एग एंड लेमन डाल के, हाफ लेमन। बालों पे लेमन, लेमन बालों, क्योंकि लेमन कट करता है ना ऑयल को। तो अगर आपके एक्सट्रीमली ऑयली बाल हैं या आज वॉश किए आज ही ऑयली हो गए, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी। हाँ, वैसे ये बहुत इश्यू है कि आपको द नेक्स्ट डे आपका नेचुरल जो बालों का ऑयल होता है वो आ जाता है, तो ये उसको कंट्रोल करेगा क्योंकि वो आपके लेमन कट करेगा उसको, ऑयल को जाके। और डैंड्रफ अगर आपको, क्या प्रोसेस है इसका? इसको आपने एग लेना है ऑफ कोर्स। अच्छा, इसमें एक एग ऐड करेंगे हम। एक एग ऐड करेंगे, ठीक है, फुल नेचुरल एग ऐड करेंगे एंड देन हाफ लेमन। ओके, क्योंकि लेमन सिट्रस होता है। स्किन के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन हाफ लेमन जितना आप बालों में ऐड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये सुनते हैं कि आपको ना स्किन पर डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग सबसे ज़्यादा यही वाली चीज़ यूज़ करते हैं कि कॉफ़ी और लेमन फेस पर रब कर लिया कि ब्राइट हो जाएगा, ये इस तरह करके, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट। और इसको आपने मिक्स करके इसको आपने गीले बालों में लगाना है, इसने सूखे में नहा कर लगाना है, हल्के से गीले कर ले, क्योंकि नहाना तो इसके बाद ऑब्वियसली शावर तो लेना होगा। अच्छा स्मेल का क्या किया जाए? स्मेल भी स्मेल चली, आई थिंक 2 दफ़ा शैम्पू करें तो वो स्मेल चली जाती है। दही भी कहा जाता है कि आप दही मेयोनीज बहुत अच्छी है बालों के लिए, वो उसमें भी अंडा ही होता है, मेयोनीज में भी स्मेल से आप वो कर लें आप कॉम्बैट। तो ऑनेस्टली हाँ, प्याज का पानी लोग बहुत यूज़ करते हैं बालों के लिए, प्याज का पानी बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ उसकी भी स्मेल। एलोवेरा आप एक नेचुरल चीज़ है जो आप ब्लेंड करके बालों में लगा सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग फॉर ड्राई हेयर एज वेल। और इसके अलावा क्या है आपके पास आज हमारे लिए? आज मास्क यही है, बाकी डिस्कस हम कर सकते हैं। अच्छा, वेट लॉस के लिए मैं चाहूँगी कि आप कुछ क्विक रेसिपीज़ बताएँ। वेट लॉस के लिए लेमन वाटर इज़ अमेजिंग, जैसे फ़ैट को कट करता है फ्रॉम द स्किन, ऑयल को कट करता है, वैसे ही बॉडी से वो फैट को कट करता है। सो लेमन वाटर, चिया सीड्स वाटर, दैट इज़ रियली अमेजिंग। उसके अलावा आप घर में हर्बल ग्रीन टीज़ बना सकते हैं, लेमन और दालचीनी वाले कावा, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। ऑब्वियसली बाकी तो आपकी डाइट एंड वर्कआउट इज़ द बेस्ट। ओके, अच्छा कॉफ़ी मैं देख रही हूँ, कॉफ़ी भी पड़ी हुई थी यहाँ पर। कॉफ़ी किस लिए थी वैसे? सिर्फ डार्क सर्कल्स के लिए? वैसे डार्क सर्कल्स के लिए। अच्छा, कॉफ़ी स्किन पे यूज़ की जा सकती है? मैंने अक्सर इंस्टाग्राम रील्स पे हम देखते हैं तो ट्यूटोरियल्स आ रहे होते हैं DIYs। कॉफ़ी बालों के लिए भी क्या यूटिलाइज होती है? बालों के लिए नहीं वैसे मैंने कभी की, मैं यूजली फेस के लिए, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ फॉर स्किन है इसके पिगमेंटेशन को कम करना। सिरम्स आते हैं कैफीन वाले, कॉफ़ी वाले, तो वो डार्क स्पॉट्स जहाँ भी आपके फेस पे हों आप उस पर बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी एक्सफोलिएटर बनाकर कॉफ़ी एंड शुगर को आप मिक्स करके वो बॉडी स्क्रब बन जाता है। तो अगर आपकी स्किन टैनिंग हुई हुई है तो आप शावर में उसको स्क्रब करें, वो लेयर रिमूव कर देता है आपकी। वेल, थैंक यू सो मच रामीन फॉर शेयरिंग सच इंटरेस्टिंग होम रेमेडीज़, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा उनके लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टोटके होते हैं हमारे घर में, होते हैं हमारे किचन में होते हैं और हमें पता नहीं होता, और हम एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाते हैं जी, पैसे लगाते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं और हमारे घर से ही आराम से निकल जाती हैं। अब जैसे वेट लॉस करना है तो लेमन है, हनी है, नीम गर्म पानी यूज़ करें आप उसके लिए, आराम से आपके घर से ये चीज़ें निकल जाएंगी। फेस है, जैसे कि आज हमारी हर्बलिस्ट ने बताया कि राइस मास्क है, बेसन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए कॉफ़ी है, और बहुत सारे इस तरह के हेयर मास्क भी उन्होंने बताए हैं। प्याज का पानी यूज़ करें, दही यूज़ करें, अंडा यूज़ करें, तो ये बहुत सारी मतलब नेचुरल चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती को निखार सकते हैं।